डीएस रेलवे ऑफिस में कराची सर्कुलर रेलवे पर बहाली के लिए शुरू किए जाने वाले ऑपरेशन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डिविजनल सुपरिटेंडेंट डीएस रेलवे कराची सैयद मजहर अली शाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर हमने सर्कुलर रेलवे की जमीन वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर डायरेक्टिव दिए हैं कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके जो कराची सर्कुलर रेलवे का राइट ऑफ वे है उसको क्लियर कराए, ताकि अगले 15 दिनों में, ताकि जो सिंध गवर्नमेंट है उस पर वो फिर इस पर ट्रेन चला सकें अगले 1 महीने के अंदर अंदर। तो इस हवाले से हमने जो ही हमें ये डायरेक्टिव 9 तारीख को मिली, हमने जितने भी ग्राउंड पे काम करने थे उस पर फ़ौरन अमल करना शुरू कर दिया, और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, ग्राउंड चेक्स के हवाले से वो हमने किए। ऑपरेशन में हमने जो ये 2 दिन का ऑपरेशन किया है, माशाल्लाह चीज़ें बिल्कुल जैसे हमने प्लान किया था वैसी चल रही हैं, और आगे भी हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट के साथ इसको ले कर चल रहे हैं। और हमने जिस तरह टारगेट किया हुआ है कि अगले 15 दिन में इंशाल्लाह इसको हम राइट ऑफ वे को क्लियर करेंगे और फिर हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध को हैंड ओवर करके ताकि उसकी ऑपरेशन शुरू करें, तो उसके हवाले से है। सैयद मजहर अली शाह ने कहा कि ऑपरेशन का आगाज़ जिला शिरकी गुलशन इकबाल में उर्दू कॉलेज स्टेशन के मकाम पर किया गया था। यहां से करीब 300 झोंपड़ियां और पुख्ता तामीरात गिराकर कब्जे की गई 13,319 मरबा गज रेलवे की जमीन वागुजार करवा ली गई है। तकरीबन हमने 13,300 प्लस स्क्वायर यार्ड का एरिया खाली कराया। ये एक ऐसा काम है, एक ऐसा टास्क है जो कि ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है। आप सबको पता है कि जो कराची में ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, हम सबको उसका इलम है। तो उस हवाले से अगर ये ऑपरेशन कामयाब होता है और ये जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स हैं, ये सारी चीज़ चल पड़ती है, तो इसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट कराची की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे पड़ेगा, लोगों को सहूलत मिलेगी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। जो इंक्रोचमेंट्स हैं, लैंड ग्रैबिंग है, ये आज की बात नहीं है, ये इसकी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री, आप सबको इसका इलम है और इसके मसले मसाइल भी आप सबको पता भी है। इस वक्त जो हमारा फोकस है वो है कराची सर्कुलर रेलवे और उसका राइट ऑफ वे का क्लियरेंस। जो सोसाइटी का इशू है वो सारे कोर्ट में है, उसके अगेंस्ट भी जो जो चीज़ें होंगी वो जो एक्शन हमने लेने हैं वो हम लेंगे। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, हम बात कर रहे हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे के राइट ऑफ वे को किस तरीके से हम क्लियर करवाएं ताकि इस पर गाड़ी चल पड़े।